अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं स्टिचिंग स्टाइल बाय सबा। तो आज की वीडियो में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी 6 साल की बच्ची के लिए प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग। तो इसके लिए जो हमने फैब्रिक लिया है वो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस तरह से है, 4 फोल्ड में हमने इसको रख लिया है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास फैब्रिक है, इसको इस तरह से फोल्ड करके हमने इसको 4 फोल्ड में कर लिया है। ये इसकी क्लोज साइड है और ये इसकी हमारे पास ओपन साइड है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि 4 फोल्ड, 1, 2, 3 और 4, और यहाँ से ये इसकी क्लोज साइड है। तो अभी हम इसको मेजर करेंगे। हमारे पास जो इसकी टोटल लेंथ है वो हमारे पास है 26 एंड हाफ इंचज। तो इसकी टोटल लेंथ हमारे पास है 26.5 इंचज, और अगर इसकी हम विड्थ को देखें तो हमारे पास ये है 10.5 इंचज। तो सबसे पहले हम मेजर करेंगे कि हमें जो प्लाजो है उसका आसन कितना चाहिए। तो 6 साल की बच्ची के लिए जो हमें आसन का साइज है वो चाहिए 11। 11 साइज के लिए हम यहाँ से 2 इंचज से पहले इस तरह से मार्क कर लेंगे। 2 इंचज पे मार्क करने के बाद यहाँ से 11 इंचज पे एक निशान लगा लेंगे। 11 इंचेस पे निशान लगाने के बाद यहाँ से स्केल की मदद से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से लाइन ड्रॉ करने के बाद हम ये जो हमारा आसन है इसको क्रॉचेट एरिया भी आप कह सकते हैं, इसको इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। ये आप देख सकते हैं हमने इसकी राउंड शेप दे दी है। तो यहाँ से अभी हम देखेंगे कि हमें जो इलास्टिक के लिए जो कितना इलास्टिक के लिए जो हमें नेफा बनाना है वो हमें कितने कितना फैब्रिक फोल्ड करके बनाना है। तो यहाँ से हम तकरीबन 1 इंच पे इसको 1.5 इंचज पे यहाँ से इसको मार्क कर लेंगे। व्यूअर्स, 1.5 इंचज पे मार्क करने के बाद स्केल की मदद से यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये आप देख सकते हैं ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है यहाँ से हम इतना कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और ये हमारा नेफा आ जाएगा। ये हमारे पास क्रॉचेट एरिया है। अभी हम ये देखेंगे कि हमें यहाँ से अपना पांचा कितना लेना है। तो पांचा हमें चाहिए 9.5 इंचज। तो हम यहाँ पे 9.5 इंचज पे इस तरह से मार्क कर लेंगे और इसको इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करते हुए यहाँ से आते हुए हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ इसको इस तरह से तिरछा ड्रॉ कर लेंगे। तो व्यूअर्स, ये हमारे पास जो प्लाजो है उसकी हमने मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग यहाँ से करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ इसी के ऊपर सिलाई लगा के इसको स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ से आपको कटिंग की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, हम यहाँ से सिर्फ आसन की कटिंग करेंगे। आसन की कटिंग के लिए एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि इसमें हम एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं छोड़ते। तो व्यूवर्स, ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास प्लाजो की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। व्यूवर्स, ये आप देख सकते हैं कि आपने हमने आसन की कटिंग कर ली है। अभी हम ये देखेंगे कि हमें जो हमारा प्लाजो है उसकी लेंथ कितनी चाहिए। तो लेंथ के लिए आप यहाँ पे इंची टेप को रखेंगे और यहाँ पे इस तरह से देखेंगे कि हमें कितनी इसकी लेंथ चाहिए। तो मुझे जो लेंथ चाहिए वो 23.5 चाहिए। आप अपने बच्चे की जो साइज है उसके अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो यहाँ मैं 23 इंचज पे इस तरह से मार्क कर लूंगी। तो ये जहाँ पे हमने मार्क किया है बाद में हम यहाँ से जो हमारा प्लाजो है इसको इसके पांचे अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा देंगे। व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं कि हमने प्लाजो की कटिंग के बाद उसको इस तरह से खोल लिया है। खोल के आप ये जो कपड़े की उल्टी साइड है उसको बाहर वाली साइड पे कर लेंगे और यहाँ पे भी उल्टी साइड को नीचे वाली साइड पे कर देंगे। अगर हम इसको इस तरह से खोलें तो ये इसकी बिल्कुल सीधी साइड जो आ जाएगी वो आमने सामने आ जाएगी। तो इस तरह से इसको सेट करने के बाद यहाँ पे आप आसन की जो सिलाई लगा देंगे
वहाँ से सिलाई लगाने के बाद ये जो जगह है यहाँ से भी आसन की सिलाई लगाएंगे। तो अभी मैं आपको आसन की सिलाई लगा के दिखाती हूँ, उसके बाद हम ये जो हमने यहाँ पे निशान लगाया था नेफे के लिए, इलास्टिक के लिए, हम इसको सिलाई करेंगे। व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे भी आसन की सिलाई लगा दी, यहाँ पे भी सिलाई लगा दी। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे मैंने सीजर की मदद से कट्स दे दिए हैं ताकि जब हम इसको सीधा करें तो वहाँ पे आसन वाली जगह पे सलवटे ना पड़े। इस साइड पे भी कट्स दे दिए हैं और यहाँ पे भी मैंने कट्स दे दिए हैं। कट्स सिंपल, आप जो कैंची की नोक है वहाँ से ऐसे ऐसे करके इनको कट्स दे दें। सिलाई के ऊपर कट नहीं लगाना, उसे एक्स्ट्रा कपड़ा है हमारे पास सिलाई के मार्जिन में जो था उस पर कट्स लगाने हैं। इसके बाद हम इसको अभी इस तरह से सीधा करेंगे। तो एक आप देख सकते हैं कि हमारे पास इसकी शेप आ गई है सामने। सीधा करने के बाद अभी नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हमें आसन की जो सिलाई है उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में हम लगाएंगे यहाँ पे जो हमने नेफे के लिए निशान लगाया था इलास्टिक डालने के लिए, हम यहाँ पे जहाँ निशान लगाया था वहाँ से कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और यहाँ से थोड़ा सा अंदर की तरफ फोल्ड करके हम यहाँ पे इस तरह से सारी साइड पे सिलाई लगा देंगे। इलास्टिक हम बाद में अटैच करेंगे इसके साथ, यहाँ से हम थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे सिलाई लगाते हैं जिसके जहाँ से हम बाद में इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। व्यूवर्स, ये हमने सिलाई लगा ली है, अभी यहाँ से हमने थोड़ी सी जगह छोड़ दी है, यहाँ से हम इसके अंदर इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। जो हमने इलास्टिक इसके लिए लिया है वो हमने लिया है 19 इंचेस। तो ये आप अपनी बेबी की, अपनी बच्ची की वेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। सेफ्टी पिन की मदद से आप इसमें से इसमें इलास्टिक डाल सकते हैं। व्यूअर्स, ये हमने इलास्टिक डाल लिया है। एट द एंड हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे और 3 से 4 सिलाइयाँ लगा के इसको सिक्योर कर देंगे। उसके बाद हम ये इसके अंदर की तरफ करके यहाँ इसलिए जो हमने थोड़ा सा कपड़ा छोड़ा था, सिलाई हमने नहीं लगाई थी, यहाँ पे हम सिलाई लगा के इस जो हमने नेफा बनाया था इसको बंद कर देंगे। व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं कि हमने इलास्टिक अटैच कर लिया है। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे आसन की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे, यहाँ तक आके रोकते हैं आप, उसके बाद यहाँ से अगेन आप सिलाई लगाना शुरू करेंगे और यहाँ पे रोक देंगे। कोशिश किया करें कि यहाँ पे डबल सिलाई लगाया करें ताकि ये जो हम यहाँ से अक्सर सिलाई उधर जाती है, तो डबल सिलाई लगाने का ये फ़ायदा होगा कि वो उधरेगी नहीं। व्यूवर्स, ये आप देख सकते हैं कि हमने आसन की सिलाई भी लगा ली है, हमने इसको प्रेस कर लिया है सीधा करके, और अभी भी हमारा एक स्टेप बाकी है। और वो स्टेप क्या है, यहाँ से अब हम इसको सीधा रखेंगे, सीधा रख के हम अगेन मैयर कर लेंगे। सीधा रखने के बाद हम अगेन मैयर कर लेंगे कि हमें कितनी इसकी लेंथ चाहिए थी। तो मैंने यहाँ पे लेंथ पे निशान लगाया था 23.5 के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा मैं उसको अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करूँगी। फोल्ड करने के बाद चाहे तो आप अंदर इसके तरपाई कर लें या फिर आप सिलाई भी लगा लें, लेकिन मोस्टली कोशिश किया करें कि बच्चों के जो कपड़े होते हैं उन पर आप सिलाई लगाया करें, क्योंकि बच्चों के जो कपड़े होते हैं वहाँ से तरपाई उधर जाती है बार बार। तो अभी मैं इसको यहाँ से सिलाई लगा लूँगी। व्यूअर्स, तो हमारा प्लाजो बिल्कुल रेडी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें काइंडली, इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कुछ समझ नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। कुछ नया सीखना चाहते हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलेंगे। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।